आबादी क्षेत्र में भालू घुसने से मची खलबली। आपको बता दें कि खटीमा के सटे गांव सूजिया मोहल्ले में आबादी के बीच अचानक भालू घुसने से हड़कंप मचा। गांव में बना अफरा तफरी का माहौल। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने भालू को बमुश्किल किया रेस्क्यू। वन जीव एक्सपर्ट टीम द्वारा भालू को ट्रैकुलाइज करने के बाद रेस्क्यू कर छोड़ा सुरक्षित जंगल में। भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग की बख्तरबंद गाड़ी की भी की गई व्यवस्था। आपको बता दें कि रविवार को सुबह 5 बजे सूजिया मोहल्लिया में गैस एजेंसी के पास झाड़ियों में अचानक भालू देखे जाने के बाद गांव में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने खटीमा वन क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह मंडराल को दी, जहां वन क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह मंडराल तथा रेंजर सुधीर कुमार ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। लेकिन भालू पकड़ में न आने पर वन्य जीव एक्सपर्ट टीम को बुलाकर वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष उनियाल द्वारा भालू को ट्रैकुलाइज कर बेहोश करने के बाद भालू को लाल कोठी के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। भालू को पकड़ने में लगभग 10 घंटे से भी अधिक का समय लगा। वहीं भालू को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम भी मौके पर जुटा रहा। वहीं खटीमा वन क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह मंडराल ने बताया कि भालू को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया तथा उपचार के बाद नखलाताल वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया। बात पर बताया गया कि एक भालू किसी कासकाल का जो बाघ था वहां पे आ गया अपने स्टाफ को लेकर के। जहां पर भालू था मैं वहां गया, मैंने भालू को वहां देखा तो भालू आम के बाग में छिपा हुआ था। हमारे एसडीओ साहब के निर्देशन में जो है उस उक्त तो जो है भालू को जो है रेस्क्यू किया, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू तो करने के तुरंत बाद जो है पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उनियाल पांगती जी द्वारा जो है उसके स्वस्थ होने के उपरांत जो है उसको जो है नखाताल वन क्षेत्र में उसको सुरक्षित छोड़ दिया गया।